एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 0.99999 इस तरह से चलता जा रहा है ये, को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो उसके बाद क्या आप इसके उत्तर से आश्चर्यचकित है, यानी कि इसका जो उत्तर है कुछ अलग ही आएगा। अपने अध्यापक तथा कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें, और अपने अध्यापक के साथ और कक्षा में आपके जो आपके साथ पढ़ रहे हैं दूसरे दोस्त हैं आपके साथ, उनके साथ इसके बारे में चर्चा करें। तो देखते हैं अभी हमारे पास 0.99999 इस तरह से चलती जा रही है। तो इसको पी बटा क्या होगी फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या इसको माना x के बराबर मान लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो ये है क्या है हमारे पास में से 0.9 और ये इसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि इसको ही इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। अब हमारे पास है 0.9999 इस तरह से निरंतर चल रहा है, निरंतरता में है। अब इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखो बार के नीचे एक अंक है, तो यानी कि जीरो और साथ में एक, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। हम लिखेंगे कि समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण एक को 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9999 इस तरह से चलेगा। फिर ये चलता रहेगा, इसको हमने 2 मान लिया। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 10x-x, और ये आ जाएगा हमारे पास 9.9999 इस तरह से चलता रहेगा, -0.9999 इस तरह से लिख देंगे। अब देखो 9.9999 इस तरह से लिख दिया, दूसरा 0.9999 इससे कंफ्यूज मत हो ना कि भाई यहां तो ये 4 रह गया और ये 5 है, कि देखो इसमें डैश डैश है तो अगले वाला भी तो इसमें 9 ही होएगा, इसमें तो सारे ही 9 आ गए तो जितने भी है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे ये, तो यहां पे देखो 0000 और ये 9 इस तरह से, यानी कि 9 पॉइंट के पास सारे 0 है, तो इसका मतलब ये 9 ही है हमारे पास। तो 10x-x 9x बराबर है 9, यानी कि x बराबर है 9/9, तो x का मान कितना आ गया 1। तो हमारा जो उत्तर आया है वो 1 आया है, यानी कि देखो कितने बजे बात निकल के आई कि 0.9999 इस तरह चल रहा है, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। अभी देखो ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं ये लिखूं कि 0.9999 यहां पर रोक दूं, जैसे मान लो इसमें मैंने 5 बार 9 लिखा हुआ 9 और इसको रोक दिया और इसको मैं 1 के बराबर लिखूं, तो ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। लेकिन यहां पे हम इसको 1 के बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये बीच में 9 9 9 लगातार चल रहा है, तो 0.9999 उसके बाद आना तो कौन था, 1 ही आना था, लेकिन ये लगातार निरंतरता में चल रहा है, तो इसके बीच में और 1 के बीच में और कुछ हो ही नहीं सकता। जब इनके बीच में कुछ और नहीं है, यानी कि दोनों ये एक ही बात है, यानी कि ये इसके बराबर ही है, तो इस वजह से ये इसका आंसर ऐसा आया है। अगर आप इसको ऐसे कर दें, अगर आप इसको इस तरह से कर दें, तो फिर ये 1 के बराबर नहीं है, तो फिर ये 1 के बराबर नहीं है, ये बात ध्यान रखोगे। और जब ये निरंतरता में है, जब ये लगातार चल रहा है, तो ये 1 के बराबर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर पांच है हमारे पास, एक बटा सत्रह के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, एक बटा सत्रह को जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो दशमलव रूप में लिखेंगे तो ये अशांत नहीं होगा, यानी कि ये अशांत होगा, तो अशांत मतलब अनवसानी, और साथ में कैसा होगा, आवर्ति, यानी कि बार बार आएगा। तो उस आवर्ति या पुनरावर्ती खंड में कितने अंक होंगे इसके बारे में विभाजन प्रक्रिया द्वारा हमें ये चेक करना है। तो करते हैं विभाजन प्रक्रिया, इसका हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं एक और ये सत्रह पे किया, अभी तो जीरो आ गया, यहां पे पॉइंट, फिर जीरो, पांच पे सत्रह, पंजे पचासी, तो ये पंद्रह, उसके बाद आया 150 हो गए, 17 अठे 136, 4 एक 1, और यहां पे हमारे पास 140 बना, तो 140 के लिए भी 136 ही आ जाएगा, 136 चार, 17 दूनी 34, 6 17 तीन 51, 9 17 पंजे 85। देखो हमने एक से स्टार्ट किया था, दोबारा एक देखना है कहां पे आएगा, 5 जीरो, 17 दूनी 34, और ये हमारे पास 6 16 बच जाएगा। तो 16 के लिए अभी यहां कर रहे हैं हम, यहां पे हमने 16 लिख लिया, तो जीरो लगाई, 17 नी में 153, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं क्योंकि ये भी चलेंगे, 153 153 के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 7, 17 चौके 68, 2 17 एकम 17, 3 17 एकम 17, 13 फिर जीरो लगाए, 17 सत्ते 119, 119 11 जीरो, 17 छह 102, 102 8 रह जाएंगे तो जीरो लगा देंगे, 17 चौके 68, तो यहां पे 12 रहेंगे, यहां पे लिख दिए हमने ये जो 12 बचेंगे यहां पे लिख दिए तो जीरो, 17 सत्ते 119, 1 1 आगे देखो हमने यही तो लिया था, एक से स्टार्ट किया था तो एक आ गया, तो फिर यहां से फिर वही काम शुरू हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास जीरो आएगी, फिर पांच आएगा, फिर आठ आठ, इस तरह से चलता रहेगा, यानी कि यहां पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो हमें पता चल गया भाई कहां पे रिपीट हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हम एक बटे सत्रह को लिख सकते हैं 0.0588295291147, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यानी कि यहां पे ये इसकी पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब देखो कितने हैं, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये देखनी है हमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पुनरावृत्ति खंडों में
उसकी जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी, 16। तो हम लिख देंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। दिया गया तो जस्ट आपको क्या करना था, आपको सिंपली भाग कर देते इसको। तो जहां पे हमने एक से स्टार्ट किया तो जहां पे दोबारा एक बन जाएगा फिर वही काम शुरू हो जाएगा। तो एक हमारा काफी लेट बना है, यहां पे जाके पुनरावृत्ति खंडों में 16 अंकों के बाद, दशमलव के बाद 16 अंकों के बाद जाके दोबारा फिर एक बने, तो यहां से मतलब हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।